हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? इस ऑडियो वीडियो के लिए प्लीज टेल मी दोस्तों, इस ऑडियो वीडियो के लिए जरा कमेंट करके बताइए यार दोस्तों, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तो लास्ट सेशन है हमारा इरीगेशन का आज, ठीक है? लास्ट सेशन है दोस्तों आप लोगों का आज, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम सेशन को आज। जल्दी से पहले कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। यस सर, ऑल क्लियर है, ठीक है। चलिए तो बाकी लोग भी आ जाए फटाफट से, तो हम सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे सेशन जो डेली मॉर्निंग में भी चल रहे हैं 8:30 बजे, ठीक है? कल संडे है तो कल हम 9 बजे करेंगे इस सेशन को, थोड़ा सा सोने का टाइम देते हैं। बाकी आपको पता है डेली मॉर्निंग सेशन होता है दोस्तों। एक दिन हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश, एक दिन हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश, और एक दिन मैं डिस्कस करता हूँ जीएस, जीके, करंट अफेयर और जनरल स्टडीज। दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट गेट, और कोई गेट में भी, हालांकि इंग्लिश वाला पार्ट तो गेट में भी काम आएगा, ठीक है? तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपकी अपनी एसएससी हो जाए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जाए क्योंकि इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ, चाहे आपकी पीएससी हो जाए क्योंकि इसके भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है? कोई भी पीएससी हो, स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? चाहे आपकी कोई रेलवे की एग्जाम हो जाए, तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आपको इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराता हूँ, वो भी कौन से, नॉन टेक वाले, क्योंकि टेक्निकल तो मैं दिन भर पढ़ ही रहे हैं। नॉन टेक के लिए आधा घंटा अगर हम डेली दे दें तो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ओके? तो इस वाले पार्ट को जरा हम इम्पोर्टेंट तवज्जो दें, कम बच्चे देते हैं, ठीक है? जिनको पहली बार पहले अटेम्प्ट में निकालना है वो जरा इसको ध्यान दें कि आपको अगर निकालना है तो आपको इस पार्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं मुझसे तो कहीं पर भी इस चीज को पढ़ते रहें, थोड़ा 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 करके पढ़ते जरूर है, ठीक है? मेरी दूसरी क्लास दोस्तों 7:45 PM पर भी होती है, जिस पे मैं, जी ये क्लास जो होती है अनअकैडमी ऐप पर होती है, जिसमें मैं एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? सारी क्लासेस की लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। एक और चीज लगे हाथ में बता देता हूँ कि जो संडे है वीकेंड, कल से मेरी क्लासेस जो कंटिन्यू होंगी वो वैक्टर कैलकुलस की होंगी, जहां मैंने छोड़ा था वहीं से। तो वैक्टर कैलकुलस कल हम लेंगे 12 बजे, 12 बजे में वेक्टर कैलकुलस के साथ आपके साथ मिल जाऊंगा 12 PM पर। तो एक ये क्लास होगी, ये क्लास डेली चली रही है, ये क्लास भी डेली चल रही है, ठीक है? तो कल से वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू होगा, ठीक है? क्योंकि इरिगेशन आज हम खत्म कर देंगे, आज हम डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो स्पेशल क्लास जो 7:45 पे होती है उस पर आपको ये सारे प्लस के फ्री में, स्पेशल क्लास के बिल्कुल फ्री फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल मिल जाता है दोस्तों, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है अगर आपने मुझे फॉलो किया है, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं और कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे की बात कर लेते हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट जो एवरी संडे आता है, जहां पर आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कोड यूज करते हैं मेरा AC007, तो दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि आप एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट, ये साथ ही साथ दोस्तों आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो जिसने मेरे से इरिगेशन पढ़ा है उनको पता है मैंने कितने डिटेल में इरिगेशन को लिया है और कितने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट पढ़ा है। तो आप एक बार अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लें, यूज करें कोड, कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे गेट ESC का हो, चाहे कोई सा भी हो, आप सब्सक्रिप्शन मेरा यूज कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं, और कोड आपको पता रखना चाहिए, हमेशा रखिए इसको AC007, याद रखिए, जिसको भी लेना हो उसको ये बता दीजिएगा और प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेगा उसको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्लस पर जो आपके फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस से लेके रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग क्लासेस इंग्लिश एंड हिंदी मिलते हैं। साथ ही साथ आइकॉनिक पे आपको एक पर्सनल कोच गाइड सजेस्ट किया जाता है, जो आपको पर्सनली आपके साथ आपको आगे जाके पढ़ाएगा, ठीक है? साथ ही साथ अगर बग्स बोलती, अगर आपको कोई कंटेंट में दिक्कत लग रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, अगर कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा है आप अपनी बात बोल सकते हैं, मेरी किसी भी एजुकेटर का कोई भी कंटेंट आपको लगता है। प्लस की प्राइसेस की बात करूँ, ये जो प्राइसेस है दोस्तों ये सिर्फ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है? कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे क्या चाहते हैं कि वो JEE और AE की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस सब्सक्रिप्शन के लिए ना जाए, ठीक है? मैं अभी से बता दूं, उनके लिए एक अलग से JEE AE का सब्सक्रिप्शन आया हुआ। हाँ, दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन ले जाइए कि आपकी JEE की भी थी, लेकिन सिर्फ जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं वो इस सब्सक्रिप्शन में ना लाए, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल जो बात सच है, उनके लिए बहुत, मतलब अप्रोक्सीमेट 9,000 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 to 10,000 में दोस्तों आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है JEE और AE का, ठीक है? तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है? सेम गोज फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर मैंने बताया आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अनअकैडमी आज का डाउन टू फीचर है दोस्तों, जहां पर हमारे एजुकेटर से आप अपने
थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं और आपको आंसर हम हाई क्वालिटी वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पेशल क्लास की मैंने आपको बता दिया टाइमिंग वगैरह क्या है। ठीक है, और उसके बाद ये हमने प्लस बैचेज जो चालू है उसके बारे में बता दी। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं और ये कोड यूज कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा इरिगेशन का लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या 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 चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, पूरा रिवीजन करेंगे। क्वेश्चंस मैं आज नहीं लाया क्योंकि मुझे पता है इसको पढ़ाने में मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जरा पिछली क्लास को हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा परसों के लेक्चर में शायद एक कमेंट था, मैंने नमन का कमेंट देखा, बाद में चेक किया, नमन ने कमेंट किया था, एक्चुअली मैं ऑफलाइन हो गया था तब, कल मैं बता नहीं पाया लेकिन आज मैं बता देता हूँ। नमन का एक कमेंट आया था, कमेंट बता दूं क्या, नमन ने बोला था, नमन ने बोला था कहाँ गया, नमन ने क्या बोला था मैं बताता हूँ क्या बोला था नमन ने। नमन को एक डाउट था, मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली वीडियो खत्म हो गया था इसलिए मैं वो चीज नहीं बोल पाया। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है, देखना याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, ये हो गया। नमन ने बोला था यहाँ लैम्डा माइनस टू है क्या, नहीं दोस्तों यहाँ लैम्डा माइनस वन ही, यहाँ लैम्डा माइनस टू है, यहाँ लैम्डा माइनस वन। ओके, फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए थे आप लोगों से, फॉर्मूले को याद रखिएगा। एक हमने न्यूमेरिकल भी इस पे बढ़िया शानदार किया था और आप लोगों ने फिर इस पे मुझे एच ई की वैल्यू भी निकाल के बताई थी, एच ई डैश की वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप लोगों ने निकाल के मुझे बताई थी। क्लियर हो गया सर डाउट, ओके ठीक है ना, तो ये एच ई की वैल्यू भी आप लोगों ने निकाल के बताई थी। और उसके बाद मैंने कल जो पढ़ाया था बड़ा ही प्यारा शानदार कंसेप्ट था एनर्जी डिसिपेटेशन का, है ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट एनर्जी डिसिपेटेशन थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने मेथड पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोलिक जंप को इंट्रोड्यूस कराया था। ये थी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि यार सर कुछ कुछ चीजें, फिर मैंने उसमें बताया था कि अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूँ, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जा रहा हूँ, जहां पर मेरी एनर्जी का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसका मैंने फॉर्मूला लिखा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला मेरा हो गया था, उसके बाद मैंने आगे की बात करी थी, ये मेरा रेशियो था, ये जो थी ये थी क्या दोस्तों, वाई वन एंड वाई टू क्या थी, जरा कमेंट करके बताइए, वाई वन एंड वाई टू आर आर कॉन्जुगेटेड डेप, लिख देता हूं, वाई वन वाई टू आर कॉन्जुगेटेड डेप, याद रखिएगा। और इसको एक और नाम दिया सबसिक्वेंट डेप्थ ऑल्सो, तो इसको जरा याद रखिएगा अगर कोई बोल ले। ठीक है, सबसिक्वेंट डेप्थ, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको बताई थी टेल वाटर कर्व क्या होता है, क्वेश्चन क्या था, एक बार इसको जूम आउट करते हैं तो आपको याद रखेगा। मैंने बोला था जब जंप हाइट कर्व कंसीडर एट टेल वाटर कर्व, कंसीडर एट मतलब ये एच सी कहाँ पे है, टेल वाटर कर्व के इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, तो हमारे ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बने थे, है ना, दोनों एक दूसरे को कोलिनियर कोलाइन कर रहे थे। ठीक है, उसके ऊपर हम और डिटेल में गए थे, मैंने बोला था कि अप्रॉन कि हाइट जो डिस्टेंस होगी जब 5y2 माइनस y1 होगी, और एप्रॉन क्यों प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। उसके बाद केस 2 पे गए थे जब मैंने बोला था TWC बड़ा है, मतलब TWC कर्व जो है ऊपर जाएगा। एक मिनट रुको, मैं गेट बंद कर दूं। हां जी, तो मैंने आपको क्या समझाया था दोस्तों कि TWC जो है वो ग्रेटर देन है JHC से, किससे, TWC जब ग्रेटर देन JHC है, मैंने आपको सबसे लास्ट कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था कि किस केसेस में अपना होगा, कि एनर्जी हाई है तो क्या होगा, लो है तो क्या होगा। उसके बाद मैंने इसके बारे में बताया था कि कैसे करना है, हम पहले ही अगर मेरा TWC ज्यादा है, मतलब जे जंप हाइट कर्व क्या है कम है, और जंप हाइट कर्व कम है तो हमने क्या करा, उसको यहीं पर जंप हाइट करवा दी। इज इट क्लियर, मेरा डी बड़ा था, जंप हाइट ज्यादा थी, और यहाँ पे कोटिंग प्रोवाइड करी थी किस लिए, ताकि वो हेल्प करे जंप कराने में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा था, ये चीज पढ़ ली थी, इसके मैंने कर्व बताए थे, और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी RBS, RBS इज नथिंग बट अ रोलर बकेट सिस्टम, आई होप सभी को याद होगा। ये सारी चीजें पिछली क्लास की हैं, कल की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दे, कहीं मिलेंगी नहीं क्योंकि यूट्यूब पे चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केस थ्री इज आर TWC इज लेस देन JHC, मतलब अब JHC ऊपर चला गया, और जब JHC ऊपर गया तो ऑब्वियस सी बात है अब जंप हाइट कर्व ज्यादा हो जाएगा, डेप्थ की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो अपन को क्या करना है, यहाँ तक ही है डैम यहीं तक है ना, अगर मैं ऐसे बना दूं तो डैम यहाँ तक है, लेकिन मैं उसके और नीचे ले गया गहराई में, और वहां जाके हमने क्या करा, मैंने क्या कराया, जंप हाइट कराया। चलो, उसके बाद मैंने क्या बताया था दोस्तों, ये मेरा वाटर था और यहाँ से, ठीक है, ये बात भी हो गई थी। केस फोर्थ इज इम्पोर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग था,
कि जो लो डिस्चार्ज है वहां पे टीडब्ल्यूसी ज्यादा है जीएचसी से, और जहां हाई डिस्चार्ज मिल रहा है वहां पे टीडब्ल्यूसी क्या है, लेस है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सभी को चीजें क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? तो केस चारों में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमने उसके लिए ये देखा था पूरा डेरिवेशन, मतलब ग्राफ, जिसमें मैंने बोला था देखो ये नॉर्मल है, मेरी हाई डिस्चार्ज है तो जंप हाइट ज्यादा, जंप हाइट जो है देर से कराऊंगा मैं, और लो डिस्चार्ज है तो पहले ही जंप हाइट करा दूंगा। एज इट क्लियर? पहले ही हाइट कराओगे तो ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी पिछली क्लास की, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे की क्लास, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, आज की क्लास चालू हो रही है भैया। आज हमें पढ़ना है डाइवर्जन हेडवर्क, आज हमें पढ़ना है डाइवर्जन हेडवर्क, लास्ट टॉपिक है प्रॉबली। छोटे छोटे से चीजें और रह गई हैं जो मैं स्पेशल क्लास में जिस दिन पीवाई को अगर कराऊंगा तो उसमें करा दूंगा, बाकी मोस्टली चीजें मैंने खत्म कर दी, ठीक है। आप लोग क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या है, कौन कौन से टाइप के हेडवर्क होते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक है, मुझे याद दिलाएगा लास्ट में, डेप्थ निकालना, वो रह गया है। जब मैंने डिजाइन ऑफ इम्परवियस लेयर पढ़ाया था ना, वहां पे एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मुझे लास्ट में याद दिलाईगा, मैं करा दूँ, ठीक है, बट याद जरूर दिलाईगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है, कितने टाइप के डाइवर्जन हेडवर्क होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं डाइवर्जन हेडवर्क में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये चीजें थोड़ी हलवा है कि ये टाइप ऑफ कौन कौन से टाइप हलवा है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या है, एनीवन कोई जरा कमेंट करके बताएगा व्हाट इज द डाइवर्जन हेडवर्क। हाँ भैया, कोई कमेंट करेगा क्या होता है डाइवर्जन हेडवर्क? देखो अब क्या हुआ, देखो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल पता है ना मुझे क्या क्या है, वो टेंशन मत लो तुम, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अगर पानी आ रहा है, मैं उसको स्टोर नहीं करना चाहता, लेकिन लेवल को मुझे मतलब लेवल मुझे चेंज करना है, वाटर लेवल, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनो, मैं क्या करूंगा भाइयों, मैं क्या करूंगा, उस पानी का फ्लो डाइवर्ट कर दूंगा अलग अलग डायरेक्शन में, मैं स्टोर नहीं कर रहा हूँ पानी को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्लो, दिस इज माई फ्लो जो मुझे आ रहा है, यहाँ डाइवर्ट कर दिया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ, तो अलग अलग जगह डाइवर्ट हो गया, जिसको हमने बोला है डाइवर्जन हेडवर्क। चलिए आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बुक की डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। डाइवर्जन हेडवर्क, वेरी गुड वेरी गुड, आई रहा था, बहुत बढ़िया। अंतिम जी बोल रहा है नदी के पानी को, नदी के पानी का मुझे लेवल चेंज करना है, लेवल इंक्रीज करना है, तो मैंने क्या करा उसको डाइवर्ट कर दिया। अब कैनाल में डाइवर्ट करा, कहाँ डाइवर्ट करा वो बाद में बताऊंगा। कैनाल क्या होता है, कैनाल की डिजाइन क्या होती है, सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, कोई बोलिएगा, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस आवर रिवर फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द वाटर लेवल, रेज करने के लिए इन द रिवर, सो दैट इट कैन बी डाइवर्टेड इन टू द ऑफ ट्रैकिंग कैनाल। कहा हम डाइवर्ट कर देते हैं कैनाल की तरफ, क्योंकि जिससे मेरे नदी का जो लेवल, मैंने कलेक्ट नहीं किया पानी को, स्टोर करके नहीं रखा है, मैंने सिर्फ उसको डाइवर्ट किया रिवर, ओके, सो दैट इट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैनाल हेडवर्क एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू कैनाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वाली बात इंपॉर्टेंट है ये सब बता देता हूँ, कौन सी वाली बात इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हाईलाइट करके रख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इट कंट्रोल द एंट्री ऑफ कैनाल, ठीक है, कैसे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आएगा डाइवर्जन हेडवर्क, सभी को समझ में आएगा डाइवर्जन हेडवर्क है क्या, हाँ है ना। देखो इसको अगर अपन तोड़ें, इस चीज को अगर अपन तोड़ें, तो हेडवर्क मतलब हेड पे काम करना, हेड मतलब लेवल, यही था मेरा पानी का लेवल। अगर मैं आपसे पूछूं भाई और बहनों, जरा मुझे बताइएगा, दिस इज माय डैम, इसमें ये हेड क्या है, व्हाट इज दिस, दिस एच इज क्या डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, जल्दी बताइए क्या डिनोट कर रहा है, ये एच क्या डिनोट कर रहा था, ये डिनोट कर रहा था हेड, ओके। और डाइवर्जन मतलब पानी के फ्लो को, डाइवर्ट तो रिवर से करेंगे, तो रिवर का वाटर, अबे रिवर का वाटर नहीं, पानी का लेवल,
है ना, जब नदी से पानी आ रहा है उसका लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है रुक जा, अभी रुक जा, बताता हूँ बताता हूँ, ठीक है ये अलग ही दिशा में चला गया। ठीक है अच्छा, यहां से समझ में आ जाएगा, ये डैम है, ये रिजर्वायर है मेरा, इसका हेड एच है, अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। दो चीजें, आइदर स्टोर दी वाटर, या तो स्टोर कर लो, स्टोरेज स्टोर कर लो वाटर को, या फिर क्या करो, या फिर क्या करो उसको डाइवर्जन कर दो, यस और नो, या तो उसका डाइवर्जन कर दो, ठीक है, या तो क्या बोला, आइदर यू कैन डाइवर्ट द वाटर और क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ये मत पूछना स्टोर क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब ये अगर किसी ने पूछे तो बहुत मारूंगा। अब भाई नहीं करना भाई, नहीं है अवेलेबिलिटी, नहीं है अवेलेबिलिटी, ठीक है चलो अभी डिजाइन विजाइन बताऊंगा इसको, बहुत आज पूरा यही डिस्कस होना है, ठीक है सभी को समझ में आएगा डायवर्जन हेडवर्क का फंक्शन क्या है और कैसे कर रहे हैं, बस बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बताऊंगा आगे जाके, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ठीक है ठीक है चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अब आता है डायवर्जन हेडवर्क, एक और डेफिनेशन थी, एन इरिगेशन कैनाल, इरिगेशन करने के लिए कैनाल बनाया गया है, टेक्स इट्स सप्लाई फ्रॉम अ रिवर और अ स्ट्रीम, कहां से लिया इसने पानी को, जो कैनाल बनाया, अब सुनिए बहुत अलग चीज बात कर रहा हूँ, हो गई बुक की बात, अलग चीज बात कर रहा हूँ, जो कैनाल बनाते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं बताइए, नदी से लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, पहली चीज नदी से सिल्ट आएगा कहाँ, अगर नदी से सिल्ट आपने फिल्टर नहीं किया कैनाल पे जाएगा, तो यहां से पहली बात आ गई कि डायवर्जन हेडवर्क क्या कर रहा है, याद रखिएगा कैसे करेगा मैं बताऊंगा, कैसे करेगा मैं बताऊंगा, बट कर रहा है ये देखिए कैसे कर रहा है मैं बताऊंगा, ठीक है तो पहली चीज, और फिर आगे की बात करें, इन ऑर्डर, ये समझ में आ गई, नेचुरल वाटर बॉडीज से, ओके यहाँ पे रिवर है, ठीक है ठीक है, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर इन टू कैनल इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट सर्टन वर्क्स और स्ट्रक्चर अक्रॉस द रिवर एंड एट द हेड ऑफ द ऑफ ट्रैकिंग कैनाल, दीज वर्क इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज डाइवर्जन, ठीक है मैंने क्या करा, नदी के साइड में अलोंग दी रिवर हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन किया है या एक सर्टन वर्क ऑन स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे कि क्या हुआ, वो जो हेड है पानी का वो इंक्रीज हो जाए और पानी हम कहाँ ट्रांसफर कर दें, कैनाल में कर दें, ओके ठीक है, जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ा दूं दिमाग नहीं लगाने का, सुनते जाइए बस, ठीक है द कैनाल हेडवर्क में भी दिख तो रहे हैं सभी को, रुको जूम कर लेते हैं भाई अगर नहीं दिख रहा था, हाँ अब ठीक है रखते हैं, द कैनाल हेडवर्क मे बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग टू टाइप्स, पहला है स्टोरेज हेडवर्क, दूसरा है डायवर्जन हेडवर्क, एक का काम होता है स्टोर करना, एक का होता है डाइवर्ट करना, और जो डाइवर्जन है दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन हेडवर्क, ये वाला कुछ कुछ एग्जाम के सिलेबस में नहीं है बट जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं वहां पे चीज पूछी जाती है, इसलिए मैंने डाल दी, ओके इसलिए मैंने ये चीज डाल दी, ठीक है मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा था, ठीक है तो मैं आगे की बात करूं, तो स्टोरेज हेडवर्क कंसिस्ट ऑफ डैम, यार ऑब्वियस सी बात है मैं अगर इसकी बात नहीं भी करूंगा तो आप समझ जाएंगे, मेरी बात सुनिए, मैं हेडवर्क का काम क्या है, देखिए दोबारा बोल रहा हूं ये चीज, हेडवर्क मतलब जो वाटर है रिवर का उसके हेड पे काम करना, हेड मतलब माथा नहीं, हेड मतलब वॉट जो पीछे बताया कहां गया, ये हेड, इस पे काम करना, इस पे दो तरीके से काम किया जा सकता है, एक स्टोरेज और एक डाइवर्जेड, अब स्टोरेज का पूरी बातें हम कर चुके हैं, देख लो कर चुके हो नहीं कर चुके, इस पे बातें क्या बातें करी हैं, स्टोरेज हेडवर्क कंसिस्ट ऑफ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू क्रिएट अ रिजर्वायर इन व्हिच वाटर इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस फ्लो इन रिवर, जब बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है पानी का तो हमने स्टोर करके रख लिया था, फ्रॉम द रिजर्वायर वाटर इज सप्लाइड टू द कैनाल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एज पर डिमांड, फिर हम क्या करते हैं जब मुझे डिमांड लगा मैं उससे पानी भेज देता हूँ कहाँ, कैनाल के पास, दस स्टोरेज हेडवर्क स्टोर्स वाटर इन एडिशन टू द डाइवर्जन इन टू द कैनाल, क्लियर है, क्लियर है सभी को ये चीज, पहले वाले पैराग्राफ में किसी को दिक्कत है, पहली वाली पॉइंट सभी को क्लियर है, कम ऑन टेल मी, बिल्कुल इतनी बेसिक से बता रहा हूं आपको चीजें कि कोई दिक्कत रहना जाए, पहला वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, नो दिक्कत, चलिए ठीक है अब आते हैं डाइवर्जन पे, एक बार डाइवर्जन हेडवर्क सर्व मतलब प्रोवाइड करता है
टू रेज द वॉटर लेवल इन द रिवर एंड डाइवर्ट। पहले तो क्या करेगा, पानी का अगर मैं बहुत तेजी से किसी चीज का फ्लो हो रहा है, मैं उस फ्लो की स्पीड को कम करूंगा। अगर मैं उस फ्लो की स्पीड को कम करूंगा दैट इंक्रीज द हेड, और फिर उस हेड को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा अलग अलग डायरेक्शन में। यही बात हो रही है, इंक्रीज रेज द वॉटर लेवल इन द रिवर एंड डाइवर्ट द रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम क्वांटिटी को डाइवर्ट करते जाएंगे कैनाल में। इसके पर्पस क्या है, सब डिवाइड डाइवर्जन हेडवर्क आर एज फॉलोस। क्या क्या है, लेट्स सी। सबसे पहला तो वही है कि रेज वॉटर लेवल इन द रिवर सो दैट द कमांडेड एरिया इंक्रीज। जल्दी से बता दो कमांडेड एरिया क्या होता है, कमेंट कर दीजिएगा। चलो मैं जब तक पानी पी रहा हूं, जब तक कमेंट करिए व्हाट इज द कमांडेड एरिया। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, व्हाट इज द कमांडेड एरिया, अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया। और सेशन को लाइक करो यार भाई, ऐसा मत करो, लाइक दिस सेशन जल्दी से। अभी तक कमेंट नहीं आया, व्हाट इज द कमांडेड एरिया, गलत बात है। जल्दी से कमेंट करें, अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया यार। आप लोग भूल गए कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ये सब भूल गए, एग्जाम के लिए परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं कर रहा लग रहा। चलो एक कमेंट आया है, दो आया है, एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बोल रहे हैं, यस भाई, और जिसमें खेती कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है ना। फिर कल्चरेबल क्या है, फिर कल्चरेबल क्या है भाई, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है। चलो खैर ये सब बातें मैं करूंगा आपसे, बेटा रिवाइज करते रहिएगा। इरिगेशन सेक्शन, जहां तक इरिगेशन वाटर, इरिगेटेड वाटर फ्लो होता है, ठीक है। दे रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, क्या करता है, रेगुलेट करता है कहां पे पानी को, बेसिन ऑफ रिवर। दे कंट्रोल द एंट्री ऑफ, ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर से। दे विल प्रोवाइड सम स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़ी देर के लिए स्टोरेज करते हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया ना आएगा पानी फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो थोड़े शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए स्टोरेज भी हो जाता है पानी का, पूरा स्टोर नहीं होता है, स्टोर होता है चलते जाता है, स्टोर होता है चलते जाता है, समथिंग लाइक दैट। दे रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशन इन द लेवल सप्लाई, जो फ्लक्चुएट करता है वाटर उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि पानी एक्चुअली जाता रहता है, ठीक है, ज्यादा देर को रोकते नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। चलो आगे बात करते हैं, दिस साइड पे देखो, देखो ये एक इनिग्रेटेड चेक डैम केरल में है, जिसमें डाइवर्जन हेडवर्क प्रोवाइड करा गया है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब मुझे बताइए हेड, वाटर हेड, वाटर हेड इसका ज्यादा है किसका ज्यादा है, टेल मी, वाटर हेड किसका ज्यादा है, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी दोस्तों, वाटर हेड किसका ज्यादा है, इस वाले पानी का वाटर हेड ज्यादा है किस वाले का ज्यादा है, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो यार, किसका ज्यादा है, जल्दी बोलो, कमेंट करें सभी लोग फटाफट से, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, नीचे वाले का, नीचे वाले का। देखो नमन तुमने आंसर दे दिया, अब मत पूछना है ना कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए ये नेचुरल चीज मैंने क्या बताई, केरला की है। चलिए अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। द डाइवर्जन हेडवर्क मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, फटाफट समझा देता हूँ। जो समझाने की चीजें थी आपको पता है कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए भाई ने, लेकिन इसके आगे की चीजें समझाने की है वो बताऊंगा जब मैं कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्पररी डाइवर्जन हेडवर्क कंसिस्ट ऑफ अ स्पर और बंड, बंड क्या होता है जरा कमेंट करके बताइए, कमेंट करने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंड, जल्दी से कमेंट करिए। मैंने पढ़ाया दोस्तों, ये मत करिएगा कि आपको नहीं पता है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द बंड, आई वॉन्ट टू नो वॉट इज दी बंड। मैंने बोला था आज रिविजन भी हो जाएगा चीजों का, क्योंकि मैं सारी चीज आपसे पूछते हुए चलूंगा आज, ठीक है, लास्ट सेशन है आज, ठीक है। कमन टेल मी बंड लीव, हाँ क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन दो, ये मत बताओ, मैं समझ गया ये तो तुम्हें पता है, डेफिनेशन दो जरा इसकी, मुझे डेफिनेशन चाहिए बंड की। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज द वॉटर लेवल इन द रिवर एंड डाइवर्ट इट इन टू द कैनाल, बाउंड्री बनाने के लिए, टेम्पररी जो बना देते थे बाउंड्री, वो पानी को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से, है ना, याद है मिट्टी की, दैट इज कॉल्ड अ बंड और लीव, है ना, नदी पर बांध, है ना, जो बाउंड्री जो सेपरेट करती है पानी को,
अंतिम जी आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका फंक्शन बताया करो। जब आपसे कोई पूछे बंद क्या होता है, तो सर पानी को एक जगह रोकने के लिए या सेपरेट करने के लिए, समथिंग लाइक, जगह को सेपरेट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आंसर दिया करो, ठीक है। अगर तुमसे पूछे, चलो फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछ रहे बांध क्या होता है, तो उसका मतलब बताओगे कि उसका फंक्शन बताओगे, समझ रहे हो, ठीक है। दीज बंध मे बी रिक्वायर टू बी कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर आफ्टर द फ्लड बिकॉज दे मे बी डेमेज बाय द फ्लड, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको सेपरेट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एवरी ईयर बाय वन, कि इसको क्या करें, अफेक्ट ना करें, ओके। उसके बाद आता है परमानेंट डायवर्जन हेडवर्क, कंसिस्ट ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज ये आ गया। आज इसके बारे में मैं कंप्लीट बात करूंगा। कितनों के मन में ये डाउट है आज भी, जितनों के मन में डाउट है ना, आज इसका डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मैंने बोला था जाने से पहले एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा, आज इसको क्लियर कर दूंगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों का काम एक है, दोनों में डिफरेंस क्या है आज बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कंसिस्ट ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज, यहाँ पे क्या थे, बंड्स वगैरह बनाए हमने, जो हर साल हम बनाएंगे, हर साल टूटेंगे, दैट इज कॉल्ड अ टेम्पररी डायवर्जन हेडवर्क। लेकिन परमानेंट में मैं बियर और बैरेज बनाऊंगा, जो कंस्ट्रक्ट करूंगा रिवर के अक्रॉस, रेज करने के लिए, किस चीज के लिए, वाटर लेवल, ओके। और मोस्ट ऑफ द डायवर्जन हेडवर्क ऑफ इंपोर्टेंट कैनल सिस्टम इन आवर कंट्री आर परमानेंट डायवर्जन हेडवर्क एंड एट द सेम आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? टेम्पररी में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बंड्स, जो कि नॉर्मली यूज नहीं होते हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ दी हम बियर और बैरेज करेंगे। क्या सभी को समझ में आई ये चीज? किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो, किसी के मन में कोई भी डाउट हो, डाउट नहीं है यार तो वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए फटाफट से मेरे लिए, ठीक है। मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। ये जो चीजें हैं इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी है, आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, एक बार लिखोगे जीवन भर के लिए क्लियर है। और स्पेशली वो बच्चे गेट के लिए तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आज वाला लेक्चर, गेट के लिए लास्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोने के बराबर है। सर स्पर क्या है, स्पर कहाँ लिखा भाई, स्पर लिखा SPUR बोल रहे हैं, ठीक है। वही मैं बता भी रहा था, आपने सुना नहीं होगा शायद, स्पर और बंड एक ही चीज है, स्पर बंड और लीव, ये तीनों चीजें एक ही है दोस्तों, ठीक है ये एक ही चीजें हैं जो काम करती हैं सेपरेट करने के लिए एरिया के लिए, है ना। मैं इसको थोड़ी, आप अगर मेरा पहले दूसरे लेक्चर की तरफ जाएंगे, वहां पर मैंने इसकी फोटोज भी दिखाई हैं। आज मैं इसकी फोटो नहीं लाया हूँ, आप बोलते तो मैं इसकी फोटो ले आता, बट आज मैं लाया नहीं हूँ, है ना, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जिनने मेरे पहले लेक्चर देखे उनको पता होगा मैंने इसकी फोटोज भी दिखाई थी और मैंने बोला भी था इसके तीन नाम है, ठीक है। काम इनका यही है कि कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं रिवर, लेकिन ये बनते कितने मिट्टी से बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, मिट्टी से या नेचुरल जो हमारी रॉक होती है उससे बनते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए इसको टेम्परेरी बोला कि हर साल क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट देखते हैं। अभी मैं इसके लिए आपके लिए बनाने जा रहा हूँ फिगर, कंपोनेंट क्या है डायवर्जन हेडवर्क के, बियर और बैरेज किसके लिए, परमानेंट, डिवाइडेड बॉल और जिसका डिवाइडेड ग्रोन बोलते हैं, फिश लैडर, अंडर लूसिस और स्कोरिंग सोल्यूस, सिल्ट एक्सक्लूडर, कैनाल है रेगुलेटर, रिवर ट्रेनिंग वर्क सच एज मृगनल बंड्स एंड गाइड वर्क। चलो इसका फिगर बनाते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन बियर एंड बैरेज। मैंने बोला था जाने से पहले अगर एक एक चीज आपका भाई क्लियर ना कर दे तो भाई बोलना, ठीक है। चलिए अब एक एक चीज आज आपकी क्लियर करता है। अगर कोई डाउट आज के बाद अगर कोई डाउट रह जाए इरिगेशन में तो मुझे बता दीजिए। मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में आपके कोई डाउट नहीं रह जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ये लीजिए। ठीक है, यहां पे ये जो मेरा आ रहा है यार, कहाँ जाएंगे मतलब, अब वो मत पूछो कहाँ जाएंगे अंतिम भाई, आप भी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे क्या होगा वो सब बात की बात है, ठीक है। चलिए, दिस इज अवर डाउनस्ट्रीम,
दिस इज अपस्ट्रीम। अच्छा इसका अपन क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, समझो ठीक है। दिस इज वॉट, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, इस चीज को ध्यान से देखो दोस्तों। ये तुम्हारा क्या है, बियर, बियर है, बेवरेज है, वो आप डिस्कस कर लो, कोई भी एक चीज है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर से, है ना, थोड़ी देर से बता दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस, इनमें से कोई एक चीज है, क्या है वो बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज आवर फिश लैडर। अब मुझे पता है कि सर ये सब चीजें क्या है, वो अभी बस देख लो, डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये है क्या, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीजें हैं क्या, ये किस खेत की मूली है और इनका काम क्या है, वो मेरा काम है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ बस वो देखते जाओ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कौन, एक बगल से ये डिवाइडेड बॉल भी है, ठीक है, डिवाइडेड बॉल भी है, दिस इज डिवाइडेड बॉल, ठीक है, दिस इज योर डिवाइडेड बॉल, ठीक है, ये बियर हो गया, बैरेज हो गया, ठीक है, और कोई दिक्कत, ठीक है, और ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, यहाँ पे कैनाल अटैच है, यहाँ पे कैनाल अटैच है, ये कैनाल अटैच है, मुझे एक बार डायग्राम बना लेना है ना, दिस इज कैनाल, यहाँ पे लगा है रेगुलेटरी, दिस इज रेगुलेटरी, ठीक है, ठीक है, ये रेगुलेटरी हो गया, ये लगा हुआ है यहाँ पे एक और, ये हो गया मेरा सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है, दिस इज सिल्ट एक्सक्लूडर, दिस इज सिल्ट एक्सक्लूडर, दिस इज सिल्ट एक्सक्लूडर, ओके ये भी हो गया, दिस इज अवर डिवाइड बॉल, दिस इज योर डिवाइड बॉल, ठीक है, ये भी हो गया, वियर बना दिया, डिवाइड बॉल बना दिया, दिस इज योर फिश लैडर, दिस इज योर फिश लैडर, ओके दिस इज योर मैग्रोनल बर्न्स, मार्जिनल बर्न्स हो गए ये, और क्या बचा है, मुझे सारे डायग्राम सारी चीजें लिख दें दो भैया, ठीक है, नहीं तो बाद में कोई छूट ना जाए, और कुछ बचा, और कुछ बचा है, चलो ये सारी चीजें हमने लिख दी, ठीक है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है, एक ये और चीज लिख देता हूँ, ये हो गया अपना सिल्ट एक्सक्लूडर, ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा हो गया स्कोर सोलोसिस। चलो अब मुझे पता है बच्चों के तो दिमाग चढ़ गया होगा कि ये क्या है, क्या काम कर रहे हैं, चलो एक एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये सारी चीजें लिखी हैं जो ये है, डिवाइड बॉल, फिश लैडर, स्कोरिंग सोलोसिस, जिसका एक और नाम है अंडर सोलोसिस, है ना, सिल्ट एक्सक्लूडर, कैनाल हेड रेगुलेटर, रेगुलेटर जो मैंने बताया आपको भी, सबका एक एक का आपको क्या लगता है, इन क्या जानना चाहिए इनके बारे में, ये क्या है, व्हाट, व्हाई और वेयर, क्या यही तीनों चीजें आप जानना चाहते हैं, क्या यही तीनों चीजें आप जानना चाहते हैं, क्या है, क्यों लगाए गए हैं और कहां लगाए गए हैं, ये पूरा डायवर्जन हेड का सेटअप है, ये पूरा डायवर्जन हेड का नहीं है, पूरे रिवर का सेटअप, ठीक है, और ये अगर किसी ने बताया है ये चीज इस तरीके से तो मुझे जरूर बताइए कि इस तरीके से मिले इंटरनेट पे, ठीक है, ठीक है, हाँ फोटोज मिल जाएंगी, रियल फोटोज मिल जाएंगी, बट इस तरीके से, क्योंकि रियल फोटो तो आप नहीं छापोगे ना एग्जाम में, आपको तो इस तरीके से अरेंजमेंट पता होना चाहिए ना, ठीक है, क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है। अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ, लगे यहाँ डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यहाँ से पानी आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यहाँ से पानी आ रहा है, और बियर और बैरेज मैंने बताया था हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम के, चलो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है मतलब जहां से पानी आ रहा है, चलो अब हम देखते हैं सारी चीजें। सबसे पहला यूनिवर्सल डाउट जो जी दुनिया में चल रहा है वो है कि भैया ये बताओ पहले ये बियर और बैरेज क्या होता है, वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन दोनों में डिफरेंस बताए थे, लेकिन आज मैं इनके मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, चलिए सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं बियर और बैरेज क्या है, ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, पहले मैं अपने तरीके से आपको बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा इनके तरीके से, ठीक है, ठीक है, पहले मैं अपने तरीके अपस्ट्रीम लिख दिया मैंने, कहां पे डायरेक्शन अपस्ट्रीम लिखा तो है, कहां लिखा अपस्ट्रीम,
कहाँ लिखा अपस्ट्रीम दोस्तों, क्या बोल रहे हैं समझा नहीं मैं, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लिखा था, ये लिखा है यहां से पानी आ रहा है मतलब, ठीक है। क्या बता रहा था मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं, पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं दोनों में है क्या, ठीक है। अगर मेरा एक गेट है कैनाल और हमारा गेट हो गया ये, ठीक है, ये हमारा गेट हो गया, यहां पे मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं, एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं समथिंग लाइक दैट, अच्छा डायरेक्ट, ओके ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, सही बोल रहा है, बहुत दिमागदार हो गया नमन। नमन बोल रहा है अपस्ट्रीम लिखा तो है, डायरेक्शन अपस्ट्रीम लिखने की जरूरत क्या, वेरी गुड सुपर, ये चीज किसी और ने नहीं सोची, वेरी गुड नमन, ठीक है मैंने लिख दिया। देखो अपस्ट्रीम यहाँ लिखा है, इट मीन यहीं से पानी आ रहा होगा, दिस इज डाउनस्ट्रीम मतलब इस साइड जा रहा होगा। अच्छा ये चीज कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, मुझे ये जानना है ये चीज कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो मेरा पढ़ाना आपको बहुत, मेरा पढ़ाना सफल हो गया। कितने लोग ये चीज इमेजिन कर पा रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने लोग इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो एक हिट दी लाइक बटन बताओ, मतलब आपने इरिगेशन को सही में फील करके पढ़ लिया, सही में फील करके पढ़ लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, काफी लोग फील कर रहे हैं, हो रहा है सर इमेजिन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो कर पा रहे हैं सर, हो रहा है, ठीक है ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ, अब मैं आगे की बात करता हूँ, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि एक ये कंस्ट्रक्शन करा मैंने, एक ये कंस्ट्रक्शन करा, ध्यान से देखिएगा, एक ये है, ठीक है, यहां पर भी मैंने गेट बना दिया। पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा फिर मैं बताऊंगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो पानी है यहां पर भी वाटर होगा, इस लेवल पे यहां पे पानी होगा, ठीक है, ये वाटर होगा यहां पे, इसका वह पानी का लेवल मैं यहां बना रहा हूं, इसका जो पानी का लेवल है दो लेवल में डिवाइड कर रहा हूं इस पानी को, मैं एक कर रहा हूं यहां पे, ये एक कर रहा हूं यहां पे, ओके, दो लेवल बनाए मैंने पानी के, ठीक है, ये अल्टीमेटली है, और एक और चलो एक और बना देता हूं, ये वाला चलो, यहाँ पे बना देता हूँ, ये लीजिए, दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, है ना, दोनों अलग अलग डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे ये लीजिए, ये मेरा अल्टीमेट वाटर हेड है, दोनों अलग अलग डायग्राम है दोस्तों, मैं तो आपको एक साथ समझाने के लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, ये अलग अलग डायग्राम है, वो अलग अलग होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि अलग अलग डायग्राम है, ये लो दोनों को मैंने पार्टीशन कर दिया, ठीक है, अलग अलग डायग्राम है दोनों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, दैट विल बी पी टू, दैट विल बी पी वन, क्या ये वाटर स्टोरेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा मैंने क्या करा, कॉन्क्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, यहाँ पर ही बनाया, ये भी रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज ऑल्सो पी टू, दिस इज ऑल्सो पी वन, अगर मैं बोलूं इस केस में पी टू जो है बहुत बड़ा है, किससे, पी वन से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये पानी स्टोरेज यहाँ पे, ये पानी स्टोरेज यहाँ पे, ये इसके ऊपर का है, ये अपना गेट है, ये क्या है, दिस इज गेट, जब हमें टाइम, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको खोल देंगे, यहाँ पे गेट्स होंगे बहुत सारे, जब हमें जरूरत होगी हम पानी खोल देंगे चला जाए, दिस इज ऑल्सो अ गेट। अगर मैं आपसे पूछूं, और ये है पी वन, ये है पी टू, अब मैं आपसे, यहाँ पे पी वन ग्रेटर देन है पी टू से, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों प्लीज टेल मी किस में, कौन सा इसमें से, एक बियर है एक बैरेज है, मुझे बताओ, दिस इज ए दिस इज बी, कौन सा बियर है कौन सा बैरेज है, टेल मी, अगर अपने दिमाग लगा पा रहे हो खुद बताओगे, इमेजिन करो चीजों को, इमेजिन करो, मैं फोटो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं पहले, क्या पहले फोटो दिखाऊं, आंसर मत दीजिएगा, अगर आप बोलोगे मैं पहले आपको फोटो दिखा दूंगा, कि सर एक काम करो रियल फोटो दिखाओ फिर हम सोचेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या रियल फोटो देखेंगे, क्या लैगिंग हो रही है, क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि लैगिंग है, नहीं नहीं लैगिंग तो नहीं है, हाँ हाँ भाई, हाँ भाई रियल फोटो देखोगे, रियल फोटो सर,
रियल फोटो देखिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा कि इसमें से बियर कौन सा, बेरिज कौन सा, ठीक है। दिस इज बेरिज, दिस इज बेरिज, ठीक है, दिस इज बेरिज एंड दिस इज बियर, ये बियर है। ये जो मैंने बताया है, ये जो मैंने बताया इसके पीछे की बात हो रही है, सारी की सारी पीछे की बातें हो रही है। तो आप मुझे बताइए बियर कौन सा, बेरिज कौन सा है, किसमें, किसमें जो पानी का जो लेवल है लगभग लगभग दोनों बराबर है और एक में जमीन आसमान का अंतर, इस तरीके से देखिए, एक में जमीन आसमान का अंतर है, एक में लगभग लगभग बराबर है। चलिए टेल मी द आंसर। ये देखिए मैंने बताया था, जो ये छोटे छोटे गेट्स लगे हैं, जो गेट खुलते हैं, है ना, तो उसके पीछे की बातें हो रही है सारी। चलिए अब मैं और समझाता हूँ, फिर आप ही लोग आंसर देंगे। वो मैंने रियल चीज बताई है, ये मेरे जो नॉर्मल किताबी बातें ये लिखी है। अब बियर इज अ स्ट्रक्चर constructed across the river to raise its water level and divert the either into canal. क्या मैंने बताया था बियर और बैरेज का काम क्या है, ये पानी को ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रखते, याद है मैंने बोला था ये ज्यादा टाइम तक पानी को स्टोर करके नहीं रखते दोस्तों, ये क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए पानी को क्या करते हैं डाइवर्ट कर देते हैं, थोड़ी देर नहीं मतलब पानी को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों ऑन द क्रेस्ट ऑफ द वियर यूजुअली शटर्स आर प्रोवाइडेड सो दैट पार्ट ऑफ द रेजिंग ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय शटर्स। यस During flood, the shutters may be dropped down to allow water to flow over the crest of the weir. Weir is usually aligned at right angle to the right. ये देखो, क्यों right angle पर रखा है भाइयों? क्यों right angle पर रखा है? कि बहुत high amount में आए तो पानी जाता रहे। Weir may be classified according to material construction. तो जिस तरीके का material होगा उस तरीके से weir को provide कर देते हैं। At most of the concrete का बना होता है। अब यहाँ देखो, weir की ज्यादा बड़ी बियर ज्यादा बड़ा बना है कि वेरेज ज्यादा बड़ा है बना है, देख लो उससे भी आप बता सकते हो, क्लियर है। तो यहां से समझ में आ गया क्या है, चलो वेरेज पे चलते हैं। इन द केस ऑफ वेरेज द क्रेस्ट इज केप्ट एट अ लो लेवल, यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, लो लेवल पे बने हुए हैं। राइजिंग ऑफ वाटर लेवल और पॉन्डिंग इज अकम्पेस्ड मेनली बाय मीन्स ऑफ गेट। ड्यूरिंग फ्लड दीज गेट्स कैन बी रेज क्लियर ऑफ द हाई फ्लड लेवल एंड दस एनेबल द हाई फ्लड टू पास विद मिनिमम एफ्लक्स। एफ्लक्स मतलब हेडिंग अप ऑफ वाटर ऑन द स्ट्रीम साइड, है ना। अ बैरेज प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ऑन द वाटर लेवल इन द रिवर बट इट इज कंपैरेटिवली मोर कॉस्टली, ऑब्वियसली बात है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ इस चीज को, देखो ध्यान से सुनो। जब जो ये क्या है, दिस इज अ डेड स्टोरेज, इसका मैं कभी यूज नहीं करने वाला हूँ, डेड स्टोरेज। और ये मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर, है ना। और दोनों के दोनों, दोनों के दोनों कहाँ बने, सेम तरीके से बने, लेकिन दिस इज अ बैरेज, दिस इज अ बैरेज, दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। दिस इज अ बैरेज और दिस इज व्हाट, दिस इज अ बियर, इज इट क्लियर। इस केस में P1 जो है ग्रेटर देन P2 है, वो भी ज्यादा अमाउंट से नहीं, कम अमाउंट से, लेकिन यहां पर P2 इज वेरी ग्रेटर देन P1। क्या ये सभी को क्लियर हो गया है? आज के बाद अगर कोई पूछे तो डेड स्टोरेज में जो पानी है वो बहुत कम होगा, ठीक है, उसके कंपेयर में जो दूसरा वाटर है वो बहुत ज्यादा है, जो हमारा यूजफुल वाटर है, दूसरा वाटर, गलत वर्ड बोल दिया, यूजफुल वाटर। और यहाँ पर तो ऐसा कोई मकाम ही नहीं है, ये तो हमारा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात हो रही है, सॉरी डाउनस्ट्रीम क्या मतलब, जो हमारा बियर है वहां पे जो पानी है और उसके ऊपर, क्लियर सर, एकदम क्लियर हो गया। मुझे पता है भाई ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला, यहीं पर चीजें खत्म हो जाती हैं, यहीं पर ये इसके पीछे की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो बियर में पानी देखिए बराबर है कि नहीं है, लेकिन यहां पे नहीं है, समझ आ गया सभी को? तो ये चीजों से ज्यादा समझ आया इससे, मेरे हिसाब से इससे आपको ज्यादा समझ में आया होगा। आई होप कि सभी को चीजें क्लियर हो गई, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो। मैं सोच रहा था कि आपके क्या क्या डाउट है, तो मैं सारे डाउट अब आते हैं अपने। तो हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट पढ़ते जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट क्या था, डिवाइड वॉल, एक बार देखो, चलो डिवाइड वॉल, चलो पीछे कहाँ गया, ये रहा बियर बैरेज, ये था
सबसे पहले बताओ डिवाइड बॉल कहाँ है, ये रही डिवाइड बॉल, फिश लेटर बाद में देखेंगे, पहले डिवाइड बॉल देख लेते हैं, ये पहले फिश लेटर देख लें, चलो पहले डिवाइड बॉल देख लेते हैं। मुझे बताओ फिर डिवाइड बॉल कैसी है, परपेंडिकुलर है क्या बियर ओबेरिस से, परपेंडिकुलर है कि नहीं है बताइए। तो पहली लाइन तो मैं ये बोलूंगा कि दिस डिवाइड वॉल इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द बियर एंड बेरिस, क्लियर है। इमेजिन करिएगा चीजों को कि वहां से पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है, और पानी के अपन ने परपेंडिकुलर स्ट्रीम पे अपन ने मतलब पानी के पैरेलली, जहां ऑब्वियसली बात है भाई पानी आ रहा है, अरे यार फिर से चलो परपेंडिकुलर पानी आ रहा है वहीं उसी डायरेक्शन बनाओगे कि किसी भी डायरेक्शन बना दोगे, ये मत बोल देना। क्या फिर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, क्या बियर और बेरेज हम पानी के फ्लो के परपेंडिकुलर बना रहे, नहीं उसी के फ्लो में बना, देखो उसी के फ्लो में तो बनाइए चीज है ना, उसी के लिए बनाइए, ये पानी आना था ये बियर बेरेज है, ठीक है ठीक है, परपेंडिकुलर आप जिस तरीके से बोले बट इस तरीके से बनाया जाता है, आप ये याद रखेंगे ठीक है। चलो क्या ठीक है, तो ये चीज आप आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रही, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो हमारा क्या था, क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, डिवाइड बॉल है जिसको डिवाइड ग्रोनी भी बोला जा रहा है, ये कैसे प्रोवाइड करे जा रहे हैं, कैसे प्रोवाइड करे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर है किससे, बियर और बेरिस से, ठीक है एक बात हो गई। अब दूसरी बात आपसे अगर करूं किस लिए बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, आप देखो किस लिए बनाए जाते हैं, जब पानी यहां से आ रहा है ना बेटा, जो पानी यहां से आ रहा है ना, तो जिस इस पानी में जो सिल्ट होगा ना उसको कंट्रोल करने के लिए, सिल्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि पानी में सिल्ट आए, मतलब सिल्ट आपको पता है सिल्ट क्या होता है, पानी में सिल्ट आए और उसको हम केनाल में जाने से रोक रहे हैं, यहां से जो सिल्ट आए उसको हम केनाल में जाने से रोक रहे हैं बेटा, क्लियर है क्या सभी को, मेरे इसकी वो खत्म हो गया, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या सभी को क्लियर हुआ दोस्तों ये चीज, एक मिनट रुकना, ये क्लियर हुआ, इसका काम क्या है, क्लियर हो गया। देखो तीनों चीजें बता दी, क्या होता है, कहां होता है और क्या काम होता है, सभी क्लियर है सभी को ये चीज, मैंने बोला है मैं सब के बारे में यही तीनों बातें करूंगा, इज इट क्लियर टू ऑल, व्हाई व्हाट और वेयर, तीनों बातें क्लियर हो गई, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है चलो। तो अगर आप बोलोगे मैं लिख भी दूंगा, मैंने अपनी बता दिया मेरे हिसाब से क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है अभी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा, डोंट वरी, क्या क्या याद रखना है, लेकिन अब इनकी देख लेते एक बार डेफिनेशन, आता हूं उस पे आऊंगा, देख सब जान एक साथ सब जानना है, इनको पढ़ लें कि इनको नहीं पढ़े, अभी सब बताऊंगा, शांति तरल रखोगे तो बताऊंगा, ठीक है देखते हैं। देखो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, अ डिवाइड वॉल इज अ लॉन्ग मेसनरी और कॉन्क्रीट वॉल और ग्रोनी, जिसको ग्रोनी मतलब होता है एन एम्बेटमेंट प्रोटेक्टेड ऑन ऑल साइड बाय स्टोन और कॉन्क्रीट ब्लॉक विच इज कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर, राइट एंगल मतलब ठीक है, एक्सेस ऑफ द वियर टू सेपरेट द अंडर स्लूसेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अंडर स्लूसेस, मतलब सिल्टेशन जो हो रहा है, ठीक है ये बताऊंगा अभी आगे जाके। और इफ टू कैनाल टेक ऑफ वन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर देन टू डिवाइड वॉल आर रिक्वायर्ड, अब देखो ये पानी आ रहा है, ये पानी कहां जाना है, यहां से होते हुए केनाल में जाएगा, ये हो सकता है यहां भी एक केनाल हो, तो दो वॉल कंस्ट्रक्ट करोगे, एक यहां जो आपके सिल्टेशन को रोकेंगे। इज इट क्लियर दोस्तों, प्लीज टेल मी, मैं वॉल्स बनाऊंगा जो सिल्टेशन को वहीं सेटल कराने की कोशिश करेंगे। चलिए जूम करते हैं, जूम मचाते हैं थोड़ी सी, ये रही देखिए, ये रही वॉल, ध्यान से देखिए वॉल दिख रही है क्या सभी को, ये वाली वॉल देखिए, वॉल दिख रही है, पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है यहां से, मैंने इनको सिल्टेशन रोक दिया ताकि यहां ना जाए और कोशिश करेंगे यहीं सेटल डाउन होता है। सर लेकिन सेटल होकर भी तो नीचे जा रहा है, उसके लिए अगली प्रोसेस बनाई गई है, डोंट वरी, उसके लिए अगली प्रोसेस बनाई गई है, आप लोग बस जितना बोला जा रहा है उतना दिमाग लगाएं फिलहाल। ये देखिए ये क्या काम कर रहे होंगे, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ये देखिए, बोलिए भैया क्लियर है कि नहीं। अब एक चीज जो आपने हमेशा देखी होगी मैं बताता हूं आपको, किस किसने ये चीज देखी है नदी के बीच में, ऐसा किस किसने देखा है नदी के बीच में, किस किसने ये देखा है बताइए, ये चीज किस किसने देखी है नदी के बीच में, जल्दी बताओ यार, नदी के बीच में किस चीज किस किसने देखी है, जल्दी बताओ,
ऐसा कोई इंसान जिसने ये चीज ना देखी हो, नदी तालाब हर बच्चे ने चीज देखी होगी, हर बच्चे ने चीज देखी होगी। कोई बताएगा इसका यूज क्या है? एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, इसका यूज क्या है? प्लीज टेल मी द यूज ऑफ दिस। Tell me the use of this. देखा है पर पता नहीं क्या है। और कोई, और कोई घूमने के लिए, घूमने के लिए मतलब छोटा छोटा साइज का देखा है, ठीक है, बट देखा जरूर है। यहां से यहां तक घूमने जाऊं और फिर वापस आ जाऊं, यही देखा है क्या? यही सोचते हैं क्या? है ना, चलिए यूज नहीं पता। ये भी एक डिवाइड वॉल ही है माय फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अ डिवाइड वॉल, है ना, जिसका काम है सिल्ट को इजेक्ट नहीं कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, बोल सकते हैं सेटल करा रहा है, सिल्ट सेपरेटर। वेरी गुड अंतिम जी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज अ डिवाइड वॉल माय फ्रेंड्स, ठीक है, यहीं पे सिल्ट को रोकना है जो मेरा पानी आ रहा है यहां से। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला था हर चीज की प्रैक्टिस, और ये चीजें बहुत बेसिक्स हैं दोस्तों, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये चीज बहुत बेसिक है, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में ना भी पूछी जाए गेट वगैरह में, लेकिन बाकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला आता फिश लैडर, अगला आता फिश लैडर। अब ये फिश लैडर का काम क्या है? एक, अब देख चलो वापस चलते हैं, फिश लैडर था क्या? फिश लैडर मैंने कहां प्रोवाइड करा था, किसके पास में प्रोवाइड करा था भैया? ये रहा फिश लैडर। फिश लैडर का काम एक ही है, ये zigzag shape में प्रोवाइड करा जाएगा। इसका काम है अपस्ट्रीम से जो पानी आ रहा है उसमें जो फिशेस हैं उनको डाउनस्ट्रीम मिलाना, है ना, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में फिश को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करना। सिल्ट पॉकेट में सकते हैं, सिल्ट पॉकेट में सकते हैं, क्या बोला मैं समझाने? अंतिम जी थोड़ा ठीक से लिखिए, सिल्ट पॉकेट में सकते हैं का मतलब मैं समझा क्या बोला, ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है दोस्तों? लार्ज फिश लैडर का काम क्या है? फिश लैडर का काम क्या है कि भैया जो पानी आ रहा है उसमें जो फिशेस हैं, वेरियस टाइप फिशेस हैं, उनको क्या करना, एक पाथ प्रोवाइड करना अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के साइड। लार्ज रिवर है वेरियस टाइप ऑफ फिशेस, मेनी ऑफ विच आर माइग्रेटरी, दे मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द रिवर टू द अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। इन आवर कंट्री जनरली फिश मूव फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम इन द बिगिनिंग ऑफ वाटर इन सर्च ऑफ वार्मथ एंड रिटर्न अपस्ट्रीम बिफोर मानसून फॉर क्लियर वाटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बियर और बैरेज अक्रॉस द रिवर सच एज माइग्रेशन ऑफ द फिशेस, मतलब माइग्रेशन मतलब एक जगह से माइग्रेट होना दूसरी जगह, विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड एंड इफ नो अरेंजमेंट इज मेड इन द बियर और बैरेज फॉर दिस माइग्रेशन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिश लाइफ मे टेक प्लेस इन वाटर। पूरी चीज समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। जब मेरी जनरली फिशेस होती हैं वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाती हैं, लेकिन क्या होता है हम बियर और बैरेज बना देते हैं, तो एक्चुअली फिशेस का ये रहता है कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में आती है, लेकिन वो हीट की तलाश में क्या होती हैं, फिर डाउनस्ट्रीम से वापस अपस्ट्रीम की तरफ भी जाती हैं। और इस केस में बीच में बियर और बैरेज आ जाते हैं तो उनके लिए ऑब्स्टिकल होती है और उनकी लाइफ अफेक्ट कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड कर देते हैं फिश लैडर, जो एक पाथ प्रोवाइड करती है उनको अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कम ऑन टेल मी, क्या सभी को फिश लीडर का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अगर किसी के मन में डाउट हो तो बोलो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी एनी डाउट, प्लीज टेल मी एनी डाउट मित्रों, जल्दी बताइए। सर अगर फिश को डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में जाना, नहीं नहीं देखिए जनरली फिशेस जो है वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की साइड ही जाती है, नहीं नहीं ठीक है। देखो इसका अरेंजमेंट ही ऐसा बनाया गया है, आप भेज सकते, आपने एक पाथ प्रोवाइड करा है, अब वो तो फ्लो के साथ बहेंगी ना दोस्तों, वो तो फ्लो के साथ बहेंगी। देखो देखो देखो,
अब ऐसा हो कि नहीं, अब मछली जाना चाहती है और अगर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बस जा सकती है तैर के, तो लेकिन हमारा काम है सिर्फ उसको एक रास्ता देना और वो ऑब्स्टिकल प्रोवाइड ना करे। देखो अल्टीमेटली मेरा काम क्या हो रहा था, ये जो बियर और बैरेज है ना, ये इसको एक ऑब्स्टिकल दे रहे हैं, है ना, एक ऑब्स्टिकल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये इसको रोक रहे हैं, तो अगर इसको जाना है तो जा भी सकती है, डजंट मैटर, हमारा काम है सिर्फ पाथ प्रोवाइड करना। ओके ठीक है, अगर वो जाना चाहते हैं तो हमारा इसको मकसद नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि उसको कहाँ क्या जाना, हमने सिर्फ उसको एक रास्ता प्रोवाइड करा। इज इट क्लियर? ये इसके कारण वो रुक रही थी, बियर और बैरेज के कारण। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? हम उसको कोई मतलब नहीं, वापस से जाऊंगा नहीं, हम काम नोटिस थोड़ी करते रहेंगे बैठे बैठे। हाँ रास्ता है, वो कहीं भी जा सकती है। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं उस पॉइंट पे, अब आते हैं उस पॉइंट पे कि भैया वो सिल्ट को कैसे रिमूव करते हैं। हाँ? देखो जब अपस्ट्रीम से वाटर आया डाउनस्ट्रीम में, सिल्ट मिला, सिल्ट हुआ, देखो पहले पहले तो अंडर स्लोसेस आर द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द वियर वॉल विद देयर क्रेस्ट एट अ लो लेवल। हमने लो लेवल पे एक क्रेस्ट प्रोवाइड कराया, देखो क्रेस्ट प्रोवाइड कर दिया लो लेवल पे, क्यों कराया? दीज ओपनिंग आर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गेट्स। किससे कंट्रोल करी जा रही है? गेट के थ्रू। दे आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड एज द ऑफ ट्रेकिंग कैनाल। इफ टू कैनाल टेक ऑफ वन ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर, देन इट वुड बी नेसेसरी टू प्रोवाइड अंडर स्लोसेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द कैनाल। देखो बताता हूं, वापस चलता हूँ, वापस चलता हूँ, वापस चलता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ समझाता हूँ। कहाँ गया? यहाँ आ गया था। देखिए यहाँ क्या हुआ, ये पानी है, मेरा पानी डाउन स्ट्रीम में आया, ये फिश लैडर है जो एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, पाथ प्रोवाइड कर रहा है, यही जो मैंने अभी फिगर दिखाया पानी मछली के लिए। यहाँ पर मैंने डिवाइड वॉल बनाई जो कि क्या कर रहा है, सिल्ट्रेशन को रोक रहा है, सिल्ट को सेटल करा रहा है। उसके बाद भी अगर सिल्ट यहाँ पे आई है तो ये क्या करेगा, उसको सेपरेट कर देगा और उसको नीचे बिठा देगा, और उसके साथ ही साथ सिल्ट एक्सट्रूडर लगा हुआ है, एक्सट्रूड करेगा और उसके साथ साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये लगाया, उसके बाद एक्सट्रूड करेगा, सिल्ट को नीचे बिठा लेगा, और एक हम लगाएंगे एक्सट्रैक्टर, सिल्ट एक्सट्रैक्टर जो इसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी, क्या चीज सभी को क्लियर हो गई? यहां से क्योंकि जो पानी जाएगा इसके बाद, जो पानी यहां से रेगुलेटरी से जाएगा वो कैनाल में जाएगा, ये सिल्ट, नो सिल्ट, इसमें कोई सिल्ट नहीं रहेगी। ओके क्योंकि मैं बता चुका हूं इससे अफेक्ट क्या होने वाला है। कहां गया, कहां गया? ठीक है, ठीक है, दिस इज अ सिल्ट एक्सक्लूडर। देखो ये एक सिल्ट को कंट्रोल करके, अब देखो इनमें से पानी इनमें से वो जाती है अंदर, क्या है, सिल्ट और वाटर, ये ऐसे छोटे छोटे गेट्स बने होते हैं, इसके अंदर से चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मुझे इसको बताने की जरूरत है, बहुत हलवा चीज है। उसके बाद कैनाल हेड रेगुलेटर है, कैनाल हेड रेगुलेटर लगाते हैं। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, गाइडेड बैंक, दिस इज अ गाइडेड बैंक। आप कभी नदी वदी के आसपास जाओ, वहां पे पत्थर डल जाते हैं, बहुत सारे डल जाते हैं, देखे नहीं देखे सभी ने, गाइडेड बैंक। एक और चीज बता देता हूँ, गाइडेड बैंक कहाँ है, ये रहा, ये रहा गाइडेड बैंक, और बर्न्स जिसको बोलते हैं। क्या होता है पता है, हम क्या करते हैं, इसमें पत्थर प्रोवाइड कर देते हैं एलिवल सॉइल या एलिवल रिवर पे। इससे क्या होता है, आप देखिए दिस इज माय रिवर, आपने देखा होगा कॉर्नर पे पत्थर डले होते हैं, क्यों डल रहते हैं वो पत्थर, कोई बताएगा? अगर यहाँ पत्थर नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन चालू हो जाएगा। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए देखो, इतना सब मत लिखना है ना, है ना, है ना, सॉइल इरोजन, अरे वो नहीं बोल रहा हूँ रे, कभी पैर डाल के बैठते हैं तो नहीं, उसमें छोटे छोटे पत्थर डले रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी डले रहते हैं, वहां पे कभी मिट्टी नहीं मिलेगी। तुम कोई भी नदी के पास जाओगे या कहीं भी जाओगे अच्छी जगह पे, तो वहां पे तो मिट्टी नहीं मिलेगी, मिट्टी क्या करती है, इरोज करती जाती है, वो जगह गड्ढी होता जाएगा, है ना, सॉइल हटती जाएगी वहां से, है ना, तो वहां पे हम पत्थर डाल देते हैं जिसको बोलते हैं गाइडेड बैंक। इज इट क्लियर? या तो पत्थर डाल देते हो और क्या करते हो, ग्रास उगा, घास उगा देते हो, ऐसी चीजें हम कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये हो गया मार्जिनल बर्न्स, जो बर्न्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखो बर्न्स तो आपको पता ही क्या होता है, बता चुका हूं मैं, है ना, मार्जिनल बर्न्स और लीव्स आर द अर्दन एम्बैकमेंट विच आर प्रोवाइड टू कन्फाइन द फ्लड वाटर, पानी को कन्फाइन करने के लिए एक साइड दूसरी साइड फ्रॉम द रिवर विद इन द अलाउएबल क्रॉस सेक्शन एंड बिटवीन द एम्बैकमेंट, दस द स्प्रेडिंग वाटर को एक जगह दूसरी जगह स्प्रेड कर दिया, ये इधर का पानी, ये इधर का पानी, ये तेरा घर, ये मेरा घर। क्लियर है? क्लियर है सभी को?
कैनाल हेड रेगुलेटर का काम क्या है, कैनाल हेड रेगुलेटर को रेगुलेट करता है पानी को, कितना पानी कैनाल के पास जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, सारी चीजों के लिए स्पान वगैरह लिखा है, पढ़ लेना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज लिख लेना है ना। इट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द कैनाल, सबसे ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, अपस्ट्रीम ऑफ द वियर और बैरेज कंस्ट्रक्टेड, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पान सेपरेटेड बाय पियर विच सपोर्टेड बाय गेट प्रोवाइडेड द रेगुलेशन ऑफ वाटर फ्लो इन द कैनाल। द स्पान बता दिया, यूज विथ काउंटर बैलेंस स्टील गेट्स विच आर ऑपरेटेड मैनुअली बाय बेंचेस, ऑल्सो लार्जेस्ट स्पान आर यूज्ड इफ नेसेसरी और कंडीशन इज इकोनॉमिकल। अल्टीमेटली काम क्या है भैया, हेड को रेगुलेट करना कि कैनाल में कितना पानी जाएगा। चलिए क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई दिक्कत है तो पूछो, सारी चीजें हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, वो छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ा दूं अगर आप बोले तो, पढ़ा दूं ना ये 15 मिनट में, जल्दी से जिनने सेशन को लाइक नहीं किया कर दो, फिर मैं पढ़ा देता हूँ, गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, एक्चुअली रह नहीं गया था, उस दिन अपनी क्लास खत्म भी दूसरे दिन से अपन ने नया टॉपिक चालू कर दिया तो वो रह गया, तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ। कहाँ गया यार वो टॉपिक, एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है, ठीक है, सब क्लियर हो गया, एक बार रिवाइज कर लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार याद है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था दोस्तों डिजाइन ऑफ इंपरवियस फ्लो, अगर आपको याद हो डिजाइन ऑफ इंपरवियस फ्लो पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने विड्थ तो पढ़ा दिया था, थिकनेस रह गई थी, बाद में गाली देते मुझे कह रहे यार ये कैसा डिजाइन है, कहां गया यार इंपरवियस फ्लो, ये पढ़ा था डिजाइन करना है ना, डेप्थ बची है, देखा वेरी गुड, पर याद है सब, ठीक है। तो मैंने विड्थ तो कर ली थी, डेप्थ बच गई थी है ना, तो ये लेन अगले लेक्चर में हमने ये चालू कर दिया था, तो यहां से मैं यहीं कर दूं, ये लो यहां पढ़ा देता हूं, ठीक है यहां पढ़ा देता हूं, छोटा सा टॉपिक है थिकनेस ऑफ फ्लोर। फ्लोर कौन सा बना रहे थे हम, एप्रॉन, एप्रॉन की बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी को एप्रॉन ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं आता है, अगर किसी को एप्रॉन नहीं आता तो मैं बोल दूं, मैं दोबारा बता दूंगा, एप्रॉन बता चुका हूँ, फोटो दिखा चुका हूँ, सब कर चुका हूँ, तो एप्रॉन के बारे में तो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, अगर कोई करेगा तो पाप पड़ेगा उसको, भाई बहुत बार बता चुका हूँ एप्रॉन वगैरह तो, है ना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ थिकनेस की, इस थिकनेस की, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी, ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट याद है, क्लियर सर एप्रॉन, ठीक है, किसी को याद है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या था, एक नौजवान क्लियर करेगा तो ज्यादा मजा आएगा मुझे, याद होगा, याद तुझको कि ये थी मेरी हाइट, क्या थी भैया, अपर से लेके लोअर तक की बात, यही था क्या, यही था क्या, लेकिन यहां नहीं होगा, यहां होगा, चलो दिस इज अवर डाउनस्ट्रीम, दिस इज अवर डाउनस्ट्रीम, इफ यू रिमेंबर दिस इज अवर डाउनस्ट्रीम, क्लियर, तो मैं इसको बना नहीं रहा हूं बट मैं आपको डायरेक्ट ये चीज दिखा देता हूँ, दिस इज अवर, याद है कि भूल गए मित्रों, ठीक है, ये सारी चीजें याद होंगी तो बहुत मजेदार है, एच बाय एल, वेरी गुड, ये ऐसा आंसर मुझे बड़ी सही लगता है जो डिफाइन करें, वैसे अंतिम आप भी सही है एच बाय एल, ठीक है, ओके, एल इज वॉट, अंतिम जी कमेंट करिए, एल इज वॉट, वेरी गुड वेरी गुड, एल इज वॉट, ठीक है, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए भी क्लियर तैयार हो रहे हैं, मेरे हाथ लगे हैं, ठीक है, चलिए, तो अब मैं अगर आपसे बोलूं वॉट इज दिस, चलो इस पॉइंट से नहीं बनाता हूं, मैं बनाता हूं इसको, कौन सा पॉइंट ले लूं, ये ले लेता हूं, व्हाट इज दिस दोस्तों, दिस इज एल, ए, अब ये नहीं पता मुझे क्या, इसको मैं ले लेता हूं एच डैश, लेंथ नहीं है दोस्त, क्रीप लेंथ है, देखो यही गलती हो जाती है अंतिम भाई, है ना, ठीक है, चलिए खैर, ओके, ठीक है, एच डैश, दिस इज एच डैश, देखिए यही छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो आपको गड़बड़ कर देंगी काम, है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओके, दिस इज व्हाट, इफ दिस इज एच, If this is H, so this is T. अंतिम भाई आप डेली क्लास अटेंड करो, आप क्या वैसे तो लास्ट क्लास है तो ये देख लीजिएगा, दिस इज T. एनी डाउट, किसी को यहां तक डाउट है, किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछो, तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, H डैश जो है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन प्लस T. दिस इज योर कैपिटल H. हाँ या ना, किसी को डाउट है तो पूछो यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट है आपको. अब इसका मैं लगे हाथ अगर अपलिफ्ट प्रेशर और बना दूं तो बताओ क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर बताओ जरा क्या होगा,
समझाओ जरा, आप प्रेशर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, ऐसी बनेगा क्या, ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लीज टेल मी, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लीज टेल मी, जल्दी बताइए। बिल्कुल ब्लिक्स थ्योरी ही कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लिक्स थ्योरी कर रहे हैं दोस्त, यस बिल्कुल ब्लिक्स थ्योरी कर रहे हैं, है ना, ठीक है। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लीज टेल मी, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा डब्ल्यू एच, क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं सर ये, नहीं क्या बोला अंतिम, नहीं क्या, कोई डाउट नहीं है कि कुछ समझ नहीं आया, नहीं क्या बोल रहे हैं दोस्त, प्लीज टेल मी, नहीं क्या बोल रहे हैं, प्लीज टेल मी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नहीं क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए सर, ये एच डैश कौन सा, एच डैश जहां पे मुझे थिकनेस निकालनी है उस पॉइंट पे हाइट, ठीक है, उस पॉइंट पे हाइट, अपलिफ्ट फोर्स गलत बना हुआ है, अपलिफ्ट फोर्स गलत बना हुआ है क्या, अपलिफ्ट फोर्स गलत बना हुआ है क्या, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, अपलिफ्ट फोर्स गलत है क्या, अपलिफ्ट फोर्स गलत है क्या, अपलिफ्ट फोर्स का मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम गलत है क्या, ये सही है, जल्दी से कमेंट करो यार, अपलिफ्ट फोर्स मेरा होता क्या था, जरा देख लेते हैं, मेरा जो पानी है ऐसे जाके ऐसे एक्ट करेगा, दैट इज अपलिफ्ट फोर्स, यही था, मैंने इसका स्ट्रेस डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन ये बनाया है, जल्दी से कमेंट करिए, अंतिम भाई बोल रहे हैं गलत, जल्दी बताओ सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है अंतिम भाई, बिल्कुल सही है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, अगर कोई टेल वाटर नहीं है, और जब मैंने पिछली बात बात करी कि कहां गया ब्लैक स्टोरी, तो मैंने बोला था कि मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम के लिए, जहां पर नो हाई, अगर नो टेल वाटर प्रेजेंट है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है किस तरीके से, क्यों सर, क्योंकि वाटर को मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, बता चुका हूं चीज, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है, सही है सर, इफ नो टेल वाटर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये चीज हो गई। मैं यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूँ कि जो मेरा लेंथ है और जो विड्थ है, मैं यूनिट एज्यूम कर रहा हूँ, चलो लेट्स सी अब हम कैसे थिकनेस निकालेंगे, थिकनेस किसकी, एप्रॉन की, चलिए देखिए, ठीक है, ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूं, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अपने सहानुभूति के लिए बना रहा हूं ये चीज, दिस इज एप्रॉन, दिस इज टी ए आर, एक काम करता हूं ऐसे नहीं बनाता हूं, आप लोग फिर लड़ोगे, चलो ऐसे ही बना देता हूं, आप लोग फिर मुझसे लड़ोगे, पता है सर ऐसे कैसे बना दिया, अब सही है, अब सही है, वाह अनुज चौबे वाह, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, जल्दी जल्दी कमेंट करो, अगर मैं इसको W बोलूं और इसको U बोलूं तो लड़ोगे क्या, एंड दिस इज द थिकनेस, किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट इसमें, दिस इज W, दिस इज U, अच्छा W याद आ रहा है क्या था, वॉल्यूम इंटू जी इंटू गामा W, कितनों को याद है, कितनों को याद है ये चीज, जो भूल गए जाके देखो, बताया था गामा इज नथिंग बट वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट चाहिए तो गामा इंटू वॉल्यूम, गामा जिसका निकालना है वो मटेरियल का, जिसका निकालना मटेरियल का, फिर मैंने आपको जी बताया था गामा जिसका निकालना है और ये वाटर का, तो यहां से गामा ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, तो ये लिखा है यहाँ पे, ये वैल्यू उठा के पुट कर दी है, ये लिखा हुआ, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहाँ वो वेट लिखना है, देखो अभी क्या होता है, देखो मैं बोल क्या रहा हूं और कभी कभी ये हो जाता है, तो इस चीज को आप समझ जाए करो, इज इट क्लियर, चलो यू की वैल्यू बता दो जल्दी, किसी को पता है तो यू की वैल्यू बता दो, गामा डब्ल्यू एच एरिया इंटू टी, एरिया में क्या आएगा, एरिया इंटू टी लिख दो, चलो एच कौन सा रहेगा, एच डैश रहेगा, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो गामा डब्ल्यू एच डैश वन इंटू टी, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है,
अब यहाँ सी मत बोलना, मैंने बोला था कि मैं सी क्या लूंगा, 100% लूंगा कि जितना आ रहा उतना जा रहा है, याद कर लेना। अब यहाँ सी मत बोलना, नहीं तो कुछ बच्चे सी बोल देंगे। सी के मैंने बता दिया था कि जब मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं सी को क्या ले रहा हूँ कि जितना पानी आ रहा है उतना पूरा जा रहा है, याद आ रहा है? बोला था याद है कि नहीं है, कि भूल गए? है ना, भूल मत जाना, भूल मत जाना, याद हो यार दोस्तों, है ना, ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें मिटा दो, ये वाली चीज मिटा दो, सबको याद है, ये मिटा दो। आप लोग लिख लिया करो ऐसी चीजें, है ना, बार बार, ताकि याद रहे। चलो 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 चलो, अब दोनों को इक्वेट कर दो जरा। वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा, अगेन वन इंटू टी जी गामा डब्लू, यही होगा। चलो इक्वल कर दो, टी जी गामा डब्लू इज इक्वल टू गामा डब्लू एच डैश टी, गामा डब्लू कट गए, क्या बचा, टी जी इज इक्वल टू एच डैश प्लस टी, ठीक है, इज इक्वल टू कर दू जी टी माइनस टी इज इक्वल टू एच डैश, यहां से टी कॉमन ले लो, जी माइनस वन इज इक्वल टू एच डैश, टी की वैल्यू क्या आ गई, एच अपॉन जी माइनस वन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। अच्छा एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, देखो क्या गलती है, एच डैश टी लिखा हुआ है, एच डैश टी लिखा हुआ है, एच डैश को तुम क्या लिख सकते हो, प्लीज टेल मी, एच डैश को तुम क्या लिख सकते हो, नहीं सही है, सही है, सही, गलती कहाँ है, सही है ना, पेन कहाँ गया यार, एक मिनट रुक जा, पेन निकल रहा, पेन गायब हो गया, एक में रुको यार, पेन कहाँ चला गया, गया उसके अंदर, एक मिनट एक मिनट, कुछ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है ना, एच डैश को मैं क्या बोल सकता हूँ, एच प्लस टी ना, एच प्लस टी बोल सकता हूँ आई थिंक, है ना, है ना, सही है, सही है, गलत है, आप सही है, एच प्लस कैसे हुआ, एच प्लस टी कर दिया ना बाद में, सही भाई, ये एच हो जाएगा फिर यार ना, ये एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही है, गलत है ना, मुझे थोड़ी सी कहीं मिस्टेक लग रही है, पता नहीं कहाँ, जरा चेक करके बताना मुझे, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, एच डैश इज एच प्लस टी, एक मिनट फिगर पर चलते हैं वापस, देखिए एच डैश इज इक्वल टू एच प्लस टी, एच डैश की जगह मैंने पुट कर दिया एच प्लस टी, अब ये हो गया एच, नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला टी यहां से यहां कट गया था, है ना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एच डैश की जगह मैंने लिख दिया एच प्लस टी, ठीक है, टी एक साइड आ जाएगा, डैश इज जी माइनस टी, और मेरे पास टी कॉमन ले लोगे आप तो टी भी कट गया, टी काट दिया, अरे ये टी कट गया, ये दूसरा टी है, ये एच डैश की वैल्यू रख दी है मैंने, है ना, ये एच डैश की वैल्यू रख दी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना कमेंट कर दो यार एक बार सभी लोग, राहुल कुमार जी बोल रहे हैं टी भी कट गया, ठीक है, ठीक है, अच्छा एक बात तो सुन लो यार, एक बात तो सुन लो मेरे हाथ से, एक बात तो सुन लो, मैं एक चीज चाहता था कि मैं आपको एक, अब मेरा इरिगेशन जो है पूरा पढ़ा दिया मैंने, अप्रोक्सीमेट 30 लेक्चर्स लिए मैंने, है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, इस चीज को मैं दोबारा कर देता हूँ यार, गलती हो गई इसमें कुछ में से, इस चीज को मैं दोबारा कर देता हूँ, है ना, मैं दोबारा कर देता हूँ, देखो मेरे पास क्या था, टी जी गामा डब्लू इज इक्वल टू था गामा डब्लू एच डैश टी, ठीक है, टी से टी ये खत्म हो गया, जी गामा डब्लू इज इक्वल टू मेरा हो रहा है गामा डब्लू एच प्लस टी,
यहां से मैं क्या करूंगा, अब गामा डब्ल्यू भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टी की वैल्यू आपसे निकालना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जी माइनस एच। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बट मुझे लग रहा है इसमें कुछ हमने मिस्टेक करी है, बट ये आई थिंक यही आंसर सॉल्यूशन आ रहा है। इसको चेक करिएगा, मैंने अगला जब लेक्चर दूंगा तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। एक काम करिए, इसको भी रहने दीजिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसका मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक इसमें करी है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को मत लिखिएगा, बाकी फंडा समझ में आ गए सारी चीजें, ठीक है, बाकी फंडे समझ आए कि नहीं आए। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ, चलो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगा। देखो ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, आई बेट ऑन इट, ये चीज आपको कोई नहीं पढ़ाना। वो वाला पार्ट रहने दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है, वो वाला पार्ट में एक क्लास लूंगा जिसमें बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। या मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा अगर नहीं ले पाया, वैसे मैं लूंगा, एक क्लास शेड्यूल कर दूंगा 30th को, तो उसमें वो चीजें और क्लियर। बाकी मैंने इरिगेशन आपको पूरा पढ़ा दिया 30 लेक्चर में, पूरा पढ़ा दिया। और ये चीजें अगर आपको यूट्यूब पर कहीं मिल जाए, किसी ने पढ़ाई हो तो बताना मुझे, इरिगेशन के नाम पे अगर किसी ने ये पढ़ाया हो ये सारी चीजें तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। या एक ही बुक में सारी चीजें मिल जाए तो भी बताना, एक बुक में नहीं मिलेगा ऐसा, बहुत डिटेल में डिस्कस करा। दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट, इस फिगर को बना लेना, आपका आधा काम हो जाएगा दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप एक बार मेरे लेक्चर्स देखेंगे, 30 लेक्चर हैं, अगर आप लग के देखें, 1.25 की स्पीड में देख लें, मैं तो बोलता हूँ 1.25 की स्पीड में देख लें, थोड़ा मैं धीरे बोलता हूँ कभी कभी, तो है ना, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड 1.25 की स्पीड में देख लें, एक बार पूरा इरिगेशन देख लो, नोट्स बना लो। आपको 15 दिन लगेंगे पूरा इरिगेशन पढ़ने में, 15 दिन, लेकिन 15 दिन में आपका बहुत हद तक इरिगेशन हो जाएगा दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप इरिगेशन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। छोटा सा पार्ट बचा है थिकनेस, जो मुझे बतानी है मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, थिकनेस वाला पार्ट जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा। एक मुझे बताना है, एक चीज और बतानी है मुझे छोटी सी, मैं सोच रहा था क्या बची है, एक और छोटी सी चीज बची, मतलब दो चीजें छोटी छोटी चीज बची है, 15 मिनट की क्लास बस है ना। तो एक अनअकैडमी ऐप पे अपन स्पेशल क्लास रख लेंगे, आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना, एक अनअकैडमी ऐप पे हम स्पेशल क्लास रख लेंगे जिसमें मैं ये सारी चीज डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट जरूर करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहली बार ही पढ़ा है, खुद से कॉन्फिडेंस आ रहा है सब्जेक्ट में, ठीक है। बट सर यही के प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा, अंतिम जी मैं कराऊंगा, टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़े, मैं कराऊंगा, अनअकैडमी ऐप पे मैं क्लास करूंगा, इसकी क्लास लूंगा, हो सकता है कल ही ले लूं, कल संडे है 5-6 बजे ले लूं, लेकिन कल क्या है, तुम लोग के मैथ्स है फेवरेट, अपना भी है, तो कल मैं संडे को थोड़ा छुट्टी दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स की क्लास लूंगा आफ्टरनून में, फिर छुट्टी दे दूंगा है ना, फिर 7:45 पे मिलेंगे अपनी क्लास, तो कल या परसों में एक क्लास में ले लूंगा, डोंट वरी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्वेश्चन बहुत कराऊंगा, और मैं कराऊंगा, और पीडीएफ मैं कराऊंगा 20-25 हो सकता है 50, लेकिन मैं आपको 500 की पीडीएफ दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, सॉल्यूशन भी दे दूंगा, आंसर भी दे दूंगा, करते रहो। अरे थैंक यू सो मच यश भाई, थैंक यू यार। आप लोग को कुछ बच्चे ऐसे थे जो बने रहे कंटिन्यूसली लाइक देख रहे, कुछ बच्चों ने जिन्हें देखा है उनको अफेक्ट दिख रहा होगा। देखो दोस्तों मैंने सोम पढ़ा दिया, मैंने इरिगेशन पढ़ा दिया, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, सुबह की मॉर्निंग क्लास चली रही है, और क्या करा दोस्तों मैंने, मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया, देख लेना इसी पे डला हुआ है, RCC पढ़ाया इसी चैनल पे डला हुआ है, आपको जो भी लगे आगे भी पढ़ाता रहूंगा आपका सपोर्ट, जब तक आपका गेट एग्जाम नहीं निकलेगा हम साथ बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों, PDF शेयर कर देना, ठीक है। चलिए तो फिर अब क्लास खत्म करते हैं, कल सुबह मिलूंगा दोस्तों, बस सपोर्ट बनाए रखिएगा यार, जो भी करूं उसमें आप लोगों का सपोर्ट जरूर लगेगा, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि जितनी चीजें हो पाए, चलो बहुत अच्छी बात है अंतिम जी, आशा करता हूं कि आपकी मेहनत सफल है, मेरी मेहनत, आपकी मेहनत सफल हो जाए, मेरी मेहनत सफल हो जाए, और आपके जो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जो AEJEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स बनाइएगा, रिवाइज जरूर करिएगा, पूरे इरिगेशन को रिवाइज करिएगा, एक ग्रैंड टेस्ट में कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं ले लूं जाने से पहले, और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़िएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। फॉर्मूला रिवीजन एक क्लास ले लूंगा, एक क्लास में सोच रहा हूँ अपनी हैंडबुक दिखाऊंगा आपको, मैंने पूरी सिविल इंजीनियरिंग की एक हैंडबुक बनाई है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ उस बुक को पब्लिश कराऊं, ऐसा सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, तो वो आप लोगों के बीच बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा, ऐसी चीजें आप लोगों के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, आपको पता है,
सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, बस एग्जाम निकाल लो यार, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम निकालो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल सुबह आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। मैराथन सेशन, ठीक है दोस्त, एक रख लेंगे मैराथन सेशन साइन जी, ठीक है, एक सेशन रख लेंगे जिसमें पूरा एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ओके दोस्त। वैसे मैंने पूरा एजुकेशन पढ़ा है, एक बार पूरा पढ़ जरूर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।